गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज मैं आप लोग की हिंदी की क्लास ले रही हूँ। इसमें आज मैं आप लोग को जो भी मैंने पिछले बार हिंदी में पढ़ाया था, आज से मैं उसको फिर से पढ़ाऊंगी। आप लोग को मैंने वर्णों से दो दो शब्द भी पढ़ाया था पिछला, जैसे कि क से क्या होता है क ल कल, फिर क से क्या शब्द बनेगा क म ल कमल, ये क से दो शब्द बने, फिर ख से क्या बनेगा ख त खत, फिर ख से क्या बनेगा ख ग खग, फिर नेक्स्ट ग से ग ज गज, फिर आगे देखेंगे ग से ग ग न गगन, फिर घ से घ र घर, फिर आगे घ से घड़ा, फिर च से च ल चल, च म क चम। ये था वर्णों से दो दो शब्द, जिसमें आपको एक बार मैं फिर पढ़ा रही हूँ। क से कल, क से कमल, फिर ख से खत, ख से खग, ग से गज, ग से गगन, घ से घर, घ से घड़ा, च से चल, च से चमक। ये था वर्णों से दो दो शब्द। मैं आपको आगे पढ़ा रही हूँ चार अक्षर वाले वर्णों को जोड़कर शब्द लिखने के लिए। तो आप लोग यहाँ ध्यान दोगे कैसे लिखना है, इसको मैं पढ़कर बता रही हूँ। अ जोड़ च जोड़ क जोड़ न, तो ये क्या बना अचकन। यहाँ हम लिखेंगे अ च क न अचकन, फिर नेक्स्ट आगे देखेंगे क जोड़ स जोड़ र जोड़ त, तो ये क्या बनेगा क स र त कसरत। फिर आगे नेक्स्ट देखेंगे प जोड़ न जोड़ घ जोड़ ट, तो ये क्या बना पनघट पनघट। फिर आगे नेक्स्ट देखेंगे द जोड़ म जोड़ क जोड़ ल, तो ये क्या बना दमकल, ये क्या बना दमकल। फिर नेक्स्ट आगे देखेंगे ह जोड़ ल जोड़ च जोड़ ल, तो ये बना हलचल, ह ल च ल, तो ये बना हलचल। ये था वर्णों से वर्णों को जोड़कर लिखे, जो कि चार अक्षर वाले शब्द को मैंने लिखकर बताया, आप लोग इसको जोड़कर लिखोगे। अब मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ चार अक्षर वाले शब्द। तो आप लोग को मैंने पढ़ाया कि जोड़कर कैसे लिखे, अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे चार अक्षर वाले शब्द, ध्यान से आप लोग देखिएगा। अ च क न अचकन, प न घ ट पनघट, द म क ल दमकल, फिर ख ल च ल हलचल, ख ट म ल खटमल। ये है चार अक्षर वाले शब्द, इसको कैसे पढ़ेंगे बता रहे हैं। अ च क न अचकन, ह ल च ल हलचल, प न घ ट पनघट, ख ट म ल खटमल, द म क ल दमकल। ये है चार अक्षर वाले शब्द। अब मैं आप लोग को नेक्स्ट आगे बता रही हूँ आ की मात्रा को जोड़कर लिखने के लिए, तो इसको कैसे लिखेंगे ध्यान से आप लोग देखिएगा। अ जोड़ आ की मात्रा म, तो ये क्या बना आम, क्या बना आम। फिर नेक्स्ट क जोड़ आ की मात्रा म, तो ये बना काम। फिर आगे है ब जोड़ आ की मात्रा तो ये हुआ बात,
ब में आ की मात्र बा तो बाद, फिर है च में आ की मात्र चा र, तो ये हुआ चा र चार। फिर नेक्स्ट न में आ की मात्र ना म नाम, ये बना नाम। फिर है र में आ की मात्र रा तो रात, ये हुआ रात। तो आप लोग ध्यान से देखो, ये आम काम बात चार नाम रात, ते आ की मात्रा को जोड़कर लिखने के लिए मैंने बताया। ये आपको पहले भी मैंने बताया था, फिर आज मैं इसको बताई हूँ, आप लोग अच्छे से देखोगे। अब नेक्स्ट हम देखेंगे आ की मात्रा वाले शब्द, इसको हम कैसे लिखेंगे और पढ़ेंगे कैसे। आ म आम, च में आ की मात्रा चा, च कर चा चाचा। क में आ की मात्रा का म काम। न में आ की मात्रा ना म नाम। र में आ की मात्रा रा, ज कर जा राजा। ब में आ की मात्रा बा, ज कर जा बाजा। ये है चार अक्षर आ की मात्रा वाले शब्द। आ म आम, ना म नाम, च कर चा, च कर जा चाचा। र में आ की मात्रा रा, ज कर जा राजा। क में आ की मात्रा का म काम। ब में आ की मात्रा बा, ज कर जा बाजा। ये है आ की मात्रा वाले शब्द। अब नेक्स्ट हम चलेंगे चित्रों को पहचान कर इन्हें मिलाएं। ये मैंने पिक्चर बनाया है, आप लोग इसको पहचानोगे और इसको मिलाओगे। तो ये क्या है आम, तो हम इसमें देखेंगे कि आम कहाँ लिखा हुआ है, वहाँ इसको मैं मैच करूँगी। तो ये आम यहाँ पर आ कर आम म आम, ये आम लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैं मिलाऊंगी। फिर नेक्स्ट है ये क्या है छाता, तो हम देखेंगे कि छाता कहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ हम देखेंगे कि छाता लिखा हुआ है, तो छ कर छा, त कर ता छाता, तो फिर मैं इसमें छाता में मिलाऊंगी। फिर है ये ताला, तो देखेंगे ताला कहाँ लिखा हुआ है, तो फिर ये ताला, त कर ता, ल कर ता, ला ताला, तो यहाँ हम ताला में इसको मिलाएंगे। फिर नेक्स्ट ये है कटहल, तो कटहल कहाँ लिखा हुआ है, क ट ह ल कटहल यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसको मैं कटहल में मैच करूँगी। फिर ये माला, म कर मा, ल कर ला माला, ये है यहाँ पर हम माला में मिलाएंगे। ये है चित्रों को पहचान कर इन्हें मिलाएं, इसको आ की मात्रा और चार अक्षर वाले शब्द से मैच करना है। ये पहले आप लोग पिक्चर को पहचानोगे, फिर लिखे हुए शब्द को पढ़ोगे और पढ़कर फिर उसके बाद इसको मिलाओगे। ये था आज का हिंदी में ही, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।